नहीं करने देगा। The system of the heaven will bless you। लेकिन जो स्वर्गीय देश है, तो heaven का जो situation है, वो हमेशा हमें आशीषित की ओर ले जाएगा। And we are called to live as the citizens of heaven। और हमें परमेश्वर बुलाया है कि हम उस heaven का citizen हम बने। And we are in this world for just a temporary basis। और हम इस संसार में एक कुछ समयों के लिए ही है। 70, 80, 90, 100 years, I don't care, but no, you have to know that you have been called to live in eternity. और हम 70, 80, 90 साल के लिए संसार में जीते हैं, लेकिन उससे बढ़कर के हमें ये समझना है कि मैं अनंत जीवन के लिए मैं बुलाया गया हूँ। But what God wants is the 70, 80, 90, 100 years that you spend in this earth, you have to spend in abundance. लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि 70, 80, 90, 100 साल जो परमेश्वर हमें दिया है, ये साल परमेश्वर में भरपूरी के जीवन में बिताएं। You don't need to live a fearful life. आपको एक भयभीत होकर के जीवन जीने की जरूरत नहीं है। The word that is in our hands is the one that will dispel all fear. और हमारे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन हमारे सारे भय को दूर करेगा। And this disciple cried out, Oh no, my Lord, I've lost my accent. This was borrowed. और एलिशा का जो चेला है, एलिशा को देख करके चिल्ला रहा है कि एलिशा मेरे स्वामी, ये जो कुल्हाड़ी था वो मैं किसी से मांगा था और वो आज मेरे हाथ से गिर गया। I mean, can you just meditate for a while and see, you know, what kind of accent you have lost? और क्या आप एक क्षण के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचेंगे कि क्या आपसे छूट गया है, क्या आपके हाथ से निकल गया है? Maybe in your personal life. हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में आप कुछ छूट गया है। You may be seeing something drowning in the river. आपके व्यक्तिगत जीवन में नदी में कुछ डूबते हुए आप देख रहे होंगे। Maybe in your professional life, you may be seeing something drowning, some future prospects that you had in your mind or some opportunity that was there, but now it is drowning in the river. आपके professional life में जो आपके लिए एक अवसर था, वो अवसर आपको नहीं मिला और आपके सामने वो अवसर डूबता हुआ आप देख रहे होंगे। And it may be in your family life, you may have some aspirations, but now those aspirations may be drowning. आपके पारिवारिक जीवन में आपकी बहुत सारी आशाएं थी, लेकिन आशाएं आपके सामने डूबते हुए आप देख रहे होंगे। It may be in a spiritual life or ministry, there may be some dreams that you had, but now you see those things are drowning. हो सकता है आपके आत्मिक जीवन में आपकी जो आशाएं थी, अधिकांश की आशाएं आपके सामने उस नदी में डूबते के समान आप देख रहे हैं। But let me tell you, there is one way out. लेकिन मुझे आपसे कहने दीजिए, एक जरिया है जिसमें से हम वहाँ से निकल सकते हैं। You know, you have started this journey with Jesus beside you. आपने ये यात्रा जो आरंभ किया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ किया है। And he is with you. और वो एक अलौकिक परमेश्वर है। And we are not serving a natural God. हम एक शारीरिक परमेश्वर की आराधना नहीं करते। He will do supernatural things. हमारा परमेश्वर हमारे लिए अलौकिक कार्यों को करने वाला है। और जो छठवीं आयत में जो हम देखते हैं, वही बात प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी करता है। The man of God, Elisha, asked, "Where did it fall?" और तब यहाँ पर यहोवा का जन पूछता है कि वह कहाँ पर गिरी है। You cried out, "Oh Lord, my life is falling, the things are falling, my dream is falling, my aspirations are falling, my desires are falling." But when you cry out, God asks you, "Where?" हम भी ठीक इसी प्रकार से पुकारते हैं, परमेश्वर मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, कहीं गिर गया है, मेरा सपना गिर गया है, मेरी आशा गिर गया है, सब कुछ खत्म होने की बराबर है, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि कहां पर गिरी है। और एक ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा जो हमसे हमेशा क्रोधित होता है। और वो कभी भी इस प्रकार से उल्टा प्रश्न नहीं पूछेगा कि मैंने तुम्हें दिया था, तुमने क्यों उसे खो दिया। But he will definitely ask a question in your heart, sir. लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके हृदय में आपसे एक प्रश्न पूछेगा। And up to you to answer that question. और वही प्रश्न का उत्तर केवल आपको ही देना पड़ेगा। You can ignore that question. आपको उस प्रश्न के बारे में आप और you can respond to the question by saying the truth. आप उस प्रश्न का जो उत्तर सच्चाई में देने की जरूरत है। So the man of God asked, where did it fall? और वहाँ पर परमेश्वर का जन पूछता है कि वो कुल्हाड़ी कहाँ गिरी है? And that disciple went and showed the place in the river as it had fallen here. When he showed him the place, he showed him the exact place where the axe had fell. और वहाँ पर उसके चेला बता रहा है, उस स्थान को दिखा रहा है जिस स्थान पर उसका कुल्हाड़ी गिर गई है। No, I wonder, you know, they have cut
cutting the tree, there could have been a situation where the axe head would have fallen, but it would not have fallen in the river, it would have fallen in the riverside. In that time, he could have picked up and he could have fixed it. और हो सकता है हमें इसे सोचता हूँ जब वो काट रहा था ये नदी में गिरना जरूरी नहीं था उसके तट में नहीं तो कहीं पर गिर सकता था और उठा करके फिक्स कर सकता था Imagine, this is example and shadow teaching. और यह याद रखिए एक उदाहरण और एक परछाई का एक शिक्षण है And then the reason why it fell into the river is the iron axe had to drown and we could not by our might revive it. और ये जो वहां पर नदी के अंदर जो गिरा हुआ है हम खुद उसमें नहीं उठा सकते हैं ये बात को मैं समझने की जरूरत है प्रॉफिट ज़कारिया सेज इन चैप्टर 4 वर्स 6 नॉट बाय माइट नॉट बाय माय पावर बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इसीलिए जरूरत हुए परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर ये तेरे ही द्वारा मुझे मिलेगा व्हाटएवर माउंटेंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू स्पीक इट नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड आपके सामने चाहे जो भी पहाड़ रूपी समस्या खड़ी है उसको सामने देख करके पुकारे शक्ति से नहीं बल से नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा And he is the one who will listen your cry. He is the one who will see your faith. And it is not that God will be moved by your faith. You will be moved by your faith. लेकिन हमें यहाँ समझना चाहिए कि हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर का देख सकते हैं And you can see there's sunlight outside, but I'm not receiving the sunlight because I am in the shade. You have to move yourself and go out and you have to receive the sunlight. Now God's blessing is out there, but you have to move yourself by your faith and then you will receive what God has ordained for you in your life. हम देखते हैं कि बाहर में सूरज का प्रकाश है लेकिन हम अंदर में हैं हम परछाई में हम छाया में हैं लेकिन उस सूर्य का किरण को यदि प्राप्त करना है तो हमें इस रूप से निकल करके उस सूरज की किरणों तक पहुंचने की जरूरत है ठीक उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के पास में हमें उसके विश्वास में आगे जाने की जरूरत है Honest answer. और जब परमेश्वर हमसे सवाल पूछता है तो हमें भी वो उत्तर को भी एक सही तरीके से देने की जरूरत है। You and God, no one else is there in the middle. और ये बहुत ही व्यक्तिगत है जो आप और आपके परमेश्वर के बीच में। He is a God of truth. और हमारा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है। He's asking where did it fall? और अब हमसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर गिरा है? You have to show him the place where things fell in your life. आपको ये बताना जरूरी है कि आपके जीवन कि क्या चीजें कहां गिरी है किस स्थान पे गिरी है ये सारे बताना आपकी ही जरूरत है And when you show him the place, he is going to do a supernatural thing. लेकिन आप जिस स्थान को आप दिखाएंगे तो सही जगह रहेगा तो वहां पर परमेश्वर के अलौकिक कार्य को आप देखेंगे And that's what Elisha did. और वही बात को एलिशा भी कर रहा In verse 6, when he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there. And made the iron float. जब उसने वो स्थान दिखाया तो एलिशा ने एक लकड़ी काट करके वहां डाल दी Elisha took a stick. और एलिशा ने एक लकड़ी को ले लिया He took the stick from the riverside, from those trees that they were cutting. और वो जो लोग काट रहे थे पेड़ को उस पेड़ में से एक लकड़ी को उसने उठा लिया God is not going to bless you by those things that you have lost, but He is going to bless you by those things that are left with you. और परमेश्वर आपको आशीष जो करता है जो आप जो किए हुए जो कार्य है जो आपके पास में है लेकिन उसे प्राप्त किया है लेकिन पर उसकी उसी प्रकार से परमेश्वर जो भी दिया है वही एक औजार है जिसके जरिए से परमेश्वर अपने आशीषों को हमारे हाथों में देना चाहता है Elisha did he cut a stick from the tree and he threw the stick in that same place where the iron axe had drowned और जो कटे हुए लकड़ी है वो लकड़ी को Elisha हाथ में रख करके जो स्थान में वो कुल्हाड़ी गिर गया था वो स्थान में फेंक दिया The law of the word teaches, you know, if you sow a particular seed, you will get the same plant, right? I mean, you sow, give me an example. You sow apple seed, okay. You sow apple seed, you don't expect oranges, right? और जैसे कि संसार का जो नियम बताता है, हम जो बीज को हम बोते हैं, ठीक वही बीज का वृक्ष और फल आता है।
तो उसमें से कभी भी ऑरेंज का फ्रूट नहीं आता। You need oranges, you have to sow orange seed. यदि आपको ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज का बीज को आपको डालना है। If you need potatoes, you have to sow potato seeds. यदि आपको आलू की जरूरत है तो आलू की बीज को डालने की जरूरत है। The disciple needed axe. और यहाँ पर चेले को उस कुल्हाड़ी की जरूरत थी। We should have sown axe, right? और वहाँ पर कुल्हाड़ी को बोने की जरूरत। That is the law of the world. और संसार का नियम वो है। Our God doesn't operate in the law of the world. और परमेश्वर कभी भी संसार के नियम के अनुसार से नहीं चलता। He is a supernatural God. वो एक अलौकिक परमेश्वर है। He threw a stick. और उस यहाँ पर परमेश्वर का जन एक लकड़ी को फेंक रहा है। When we throw a stick in the water, what will the stick do? और एक लकड़ी को यदि हम फेंकते हैं नदी में तो क्या होगा? It will float. और वो तैरेगा। We should have seen a stick floating. और हम वहाँ पर लकड़ी तैरते हुए देख सकते हैं। What are we seeing here? लेकिन आज वहाँ पर क्या देख रहे हैं? When the stick was thrown in that place, instead of the stick floating, we are seeing the iron axe floating. लेकिन वहाँ पर जब लकड़ी वहां फेंका दिया, वहां लकड़ी तैर नहीं रहा है, कुल्हाड़ी जो नीचे सट पर था, नीचे स्तर पर था, वो अभी ऊपर उठकर तैर रहा है। Excuse me, I'm floating. और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो लोहे का कुल्हाड़ी है वो तैर रहा है। I mean, I'm floating. I was drowning. Now it is floating. जो लोहा था वो डूब गया था, खो गया था, अभी वो ऊपर में तैर रहा है। Example, shadow teaching, 2 Corinthians 5:17. और उसका जो उसका संपूर्णता नए नियम में हम देख सकते हैं, दूसरी कोरिन्थ 5:17 में। Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। Lord, all things are passed away, all things are become new. स्वभाव उसमें आ गया। That's what happens when we accept Jesus as our Savior. और वही बात होती है जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकारते हैं प्रभु के रूप में। I'm enjoying Prashant, Mike, Benson, Richard. When we accepted Jesus, we did not change in our appearance. और यहाँ पर बैठे हुए जोएल, प्रशांत, मैं और बेंसन जो रिचर्ड जो है यहाँ बैठे हुए सभी लोग, हम जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार है, हम अपने रीति से अभी नहीं है। I was a small child. I was a very, short guy when I accepted Jesus. I took baptism. I did not become a tall guy that time. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, मैं काफी छोटा था, मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन तुरंत मैं एक बड़ा व्यक्ति नहीं बन गया। My appearance did not change. और मेरी जो बाहरी जो रूप है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। But there was one thing that changed. लेकिन एक बात जो है वो बदल गया। My spirit changed. मेरी आत्मा में बदलाव आ गया। I was a new creation. मैं एक नई सृष्टि बन गया। No longer I operate in the nature and the law of the world. और इसके बाद मैं संसार की रीति के अनुसार से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। All things are passed away. All things have become new. और सब कुछ बीत गया और सब कुछ नया हो गया है। And we cannot walk in that new creation unless we acknowledge that. और उस नई सृष्टि में तब तक हम नहीं चल सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। And that is the biggest plan of the devil. He wants to put a veil in your mind. He doesn't want you to realize that you are a new creation and you are the child of the supernatural God. And if you are the child of the supernatural God, you can do supernatural things in your life. ये शैतान का तंत्र है जो कि आज अब प्रभु यीशु में नई सृष्टि है, लेकिन आपको बातों को सोचने के लिए अनुमति नहीं देता है। ये शैतान का एक कार्य है, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि जो मसीह का उद्धार हम पाए हैं उससे हम अलौकिक बातों को हम देखने जा रहे हैं। हमारे लिए दिया गया, यदि तू पानी से होकर जाए तो पानी तुम्हें नहीं डुबाएगा। We are not walking on the water, we are walking on the grace of God. क्योंकि हम पानी के ऊपर नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम कृपा में पानी के ऊपर चल रहे हैं। The world cannot define you, you can define the world because you follow a supernatural God. दुनिया आपको डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन आप दुनिया को डिफाइन करेंगे क्योंकि आप परमेश्वर की अलौकिक कृपा में अब चल रहे हैं। Said this word, you are history makers. लेकिन मुझे दूसरे शब्दों में बोले, आपको इतिहास को रचने वाले हैं। You are the followers of Jesus who created history, who divided history into AD and BC. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो यीशु मसीह ने संसार को दो भागों में बांट दिया, जो BC और AD में। If Jesus can do that, you can do that. और
यदि यीशु मसीह वो बातों को किया है तो आज हम संसार में भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इतिहास को रच सकते हैं. To believe in that new spirit that we have received. अतः उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ा करके उसे उठा लिया. Let us close our eyes. Let us receive this word. Hallelujah. आज हम इस वचन को हम प्राप्त करें. Amen. The cross is the stick. और उस क्रॉस लकड़ी को दिखा रहा है. And the cross was set in the river. It was drowning us in the sin. और उस क्रॉस को उस पाप की नदी में उसे भेजा गया था जहाँ पर लोग डूब रहे थे. Man was separated from God. और मनुष्य परमेश्वर से काफी अलग हो चुका था, दूर हो चुका था. Man was drowning. और मनुष्य वहाँ पर पाप की नदी में डूब रहा था. The sin was mocking. और वहाँ पर सब लोग मजाक उड़ा रहे थे. जब क्रूस को जब वहाँ पर लाया गया तो मनुष्य वहाँ पर तैरने लगे परमेश्वर की कृपा के द्वारा. The one who wants to steal, kill, and destroy is destroyed. और जो संसार चुरा रहा था वो परमेश्वर के द्वारा खत्म हो गया. And the blessings, the tools, the resources flowing right in front of our eyes. और हमारे सामने में जो resources है आज हमारे सामने में वो आशीष फ्लोट कर रहा है. And we can take it out. आज हम वहाँ तक पहुँच कर के भी उठा सकते हैं, कर सकते हैं. And we can mix it back to the उस लकड़ी के बल्ली के साथ में वो लोहे के सिरे को फिक्स कर सकते हैं. और अभी भी वो एक धार वाले कुल्हाड़ी में बदल गया. और मैं कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में एक ऐसी कुल्हाड़ी है. Let us all stand up. Hallelujah.